म्युनिसिपैलिटी का पीला पंजा यहाँ चलता हुआ जो आपको नजर आ रहा है, लोगों के आशियाने तोड़ने के लिए ये इस वक्त यहाँ पहुंच चुके हैं। देखिए अगर रेहाड़ी, देखिए रेहाड़ी चुंगी का ये दृश्य है। अगर ये चीज़ें जब बन रही थी तब जम्मू म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के जो लोग इनसे मोटे मोटे पैसे लेकर जो जाते हैं यहाँ से, क्योंकि जब ये चीज़ें बनती हैं तब वो पैसे लेने यहाँ पहुँच जाते हैं। और आज यहाँ पर इस वक्त पुलिस तंत्र के साथ ये पीला पंजा पहुँचा है और लोगों का जो आशियाना है वो यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। जो व्यक्ति जिसका घर ये तोड़ा जा रहा है वो बहुत कोशिश कर रहा है कि इसको ना तोड़ा जाए, लेकिन उसकी एक बात ना सुनी जा रही है। उसके अलावा जो यहाँ पर तोड़फोड़ जो है वो की जा रही है। देखिए ये हर जगह ये है वो पीला पंजा जो बाबा का बुलडोजर था किसी टाइम में, अब जम्मू में इस वक्त लोगों के आशियाने तोड़ने के लिए जो है ये पहुँच चुका है। और ये वो लोग हैं जो यहाँ पर अपने आशियानों में आराम से रहते थे किसी के साथ, लेकिन आज यहाँ पर देखिए इस तरह से जो दीवारें हैं ये तोड़ी जा रही हैं। पीला पंजा जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। देखिए स्थानीय कारपेंटर जो है वो ये कहते हैं कि घर घर जो है वो पेड़ पौधे होने चाहिए, लेकिन आज इन्हीं पेड़ पौधों को जो है वो तोड़ा जा रहा है। ये देखिए इस तरह से जो ये बाउंड्री वॉल थी उसको तोड़ दिया गया और पीला पंजा कहीं ना कहीं चलता हुआ आपको यहाँ पर नज़र जो है वो आएगा। ये जम्मू म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के जो बड़े अच्छे काम जो है ये लोग बोलते हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। आम पब्लिक हरास हो रही है, पब्लिक परेशान है, आखिरकार क्यों, कारण क्या है। देखिए अगर एरिया इंस्पेक्टर्स जो पहली थे उन्होंने ये काम पहली करवाया होता या रोका होता तो इस तरह से बाउंड्री वॉल जो थी वो बन नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ देख सकती है इंक्रोचमेंट जो ड्राइव है ये रेहाड़ी कॉलोनी में यहाँ पे चलाई जा रही है। रेहाड़ी कॉलोनी जो एरिया है उसमें ये एंटी इंक्रोचमेंट जो ड्राइव है वो चलाई जा रही है। जम्मू म्युनिसिपैलिटी का पीला पंजा जो है यहाँ पर चलता हुआ जो है वो आपको नज़र आएगा। मैं आपको बता दूं इस तरह के जो दृश्य हैं ये आम अमन जम्मू में आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे दृश्य रेहाड़ी चुंगी सरवाल से आपको ये देखने को यहाँ से मिल रहे हैं। पीला पंजा जो चलता हुआ नज़र आ रहा है और ना लोगों की बात सुनी जा रही है ना लोगों से बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर आम पब्लिक जो है वो इस वक्त परेशान है और कहीं ना कहीं इस वक्त जम्मू म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के जो लोग हैं ये पीला पंजा चलता हुआ जो नज़र आ रहा है आप देखिए इस तरह से बाउंड्री वॉल जो है उसको तोड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं आम पब्लिक के घरों को जो टारगेट है वो किया जा रहा है। म्युनिसिपैलिटी के लोग कह रहे हैं जल्दी कीजिए, जल्द से जल्द इसको जो है साफ़ कीजिए। जब ये चीज़ें बन रही थी तो तब जम्मू म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन कहाँ थी, तब ये साथ होकर ये चीज़ें बनाई जाती है। और स्थानीय कॉरपोरेटर कहते हैं कि ग्रीनरी अपनाइए, जो ग्रीनरी है उसको बनाइए। जब पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो जम्मू म्युनिसिपैलिटी इस तरह से तोड़ने के लिए जो है वो पहुंच जाती है। ये देखिए सारी तोड़फोड़ जो है ये जम्मू म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन जो है वो इस वक्त यहाँ पर कर रही है। आप देख लीजिए यहाँ पर तसल्ली से जो तोड़फोड़ है वो यहाँ इस वक्त जम्मू म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं और जिनके घर हैं वो ऊपर से सिर्फ देख सक रहे हैं, देखते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। सिर्फ देखने के लिए ही लोग खड़े हैं, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग यानी कि यहाँ से ही MLA हैं सत शर्मा और यही के स्थानीय कॉरपोरेटर हैं। आप देखिए उनकी नज़रों के सामने ये जो सारा कार्यक्रम है वो जो है वो किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त कोई भी यहाँ पर पहुँचेगा नहीं। हालात आप देख लीजिए यहाँ पर जो बने हुए हैं, जम्मू म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन जो हालात है ये बनाए हुए हैं को जो है वो यहाँ से तोड़ दिया गया है। दूर तक आप देखिए, दूर तक मैं आपको ये दृश्य बताऊंगा, ये दोनों तरफ से जो तोड़ फोड़ है यहाँ कर दी है गई है, लेकिन आम पब्लिक को जो है वो यहाँ पर हरास जो यानी कि किया जा रहा है। जो लोग अपने अपने घरों में आराम से बैठे थे यानी कि जो लोग यहाँ पर अपने घरों में आराम से बैठे थे कल तक, उनको ये पता नहीं था कि बिना किसी नोटिस के ये चीज़ें जो हैं यहाँ से हटाई गई हैं। और जब पीला पंजा आया ना किसी ने बात की ना कुछ, और यहाँ पर सिर्फ ये जो तोड़फोड़ है करने के लिए उन्होंने शुरुआत कर दी। चलिए कुछ लोग हैं स्थानीय आम पब्लिक के साथ हम बात करेंगे जिस तरह से ये तोड़फोड़ की गई है, पीला पंजा जो चलाया गया है आम पब्लिक के साथ जिस तरह से लोग हैं इनसे मैं बात करूँगा। बात करता हूँ, मुझे अपना नाम बताएं आप। रमेश गुप्ता रेहाड़ी कॉलोनी से बोल रहा हूँ, मैं सीनियर हेडमास्टर रहा हूँ। जी
ये देखो मुझे दुख हो रहा है, रोज एक्सीडेंट होते हैं। ये सड़क जो है बनाई, ये सीवरेज वगैरह का उसके ऊपर लुक डाली, ये बैठ रही है बड़ी जगह से नीचे बैठ गई है, और 10% भी लुक नहीं डाली हुई। पहले ये जो जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, जेई है, एई है, या वो जो दूसरे मतलब ठेकेदार हैं, उनके बिल पास ही नहीं होने चाहिए ना, वो ब्लैक लिस्ट में आने चाहिए। गुप्ता जी, मुझे एक चीज़ पूछनी है, आप लोग कहीं ना कहीं यहाँ से रहते हुए 50 से ज़्यादा साल हो गए, यहाँ पर नोटिस बिना नोटिस के ये हज़ारों रुपया सामने बेचारे ने लगाया ग्रीन अपना घर बनाने के लिए, लाइटें लगवाई किस लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए। इन्होंने कहा, हमारे कारपोरेटर ने भी कहा, हमारे ऑफिसर्स ने भी कहा कि ग्रीन इंडिया बनाओ, पेड़ पौधे लगाओ, तो फिर तोड़ा क्यों, किस वजह से तोड़ा? वो वहाँ पर जहाँ पर बड़े 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 मतलब तो है ही है, लेकिन यहाँ के बने हुए यहाँ के स्थानीय एमएलए भी तो है ना, सत शर्मा जी, वो कहाँ पे हैं? वो भी गुम हुए, ठीक है ना, वो एमएलए खत्म हो गया। अब मैंने ये भी सुना कि यहाँ पे जो मैक्सिमम जो कम्युनिटी है वो रिफ्यूजीज हैं, खड़े हुए, लेकिन अफसोस की बात, बड़े बड़े अधिकारी ये कहते हैं 5 मरले 2.5 मरले 3 मरले के लोगों को नोटिस नहीं होगा, उनकी तोड़फोड़ नहीं होगी, तो ये क्या है? ये 3.5 मरले में मकान बनाओ सामने, आधे आधे पूरे आधे क्वार्टर में, तो उसको तोड़ दिया, ठीक है नहीं, सबने वो 2 मरले में बना हुआ है, 3 भाइयों के पोर्शन है, तो वो भी तोड़ दिया। आप एक बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हेडमास्टर हैं, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, जिस तरह से ये लोग आए बिना लॉक किए हुए, बिना किसी नोटिस के, ये ऐसे ऐसे होना चाहिए? ये नहीं, मैंने उनको दोनों को कहा, ये कौन सा तरीका है, आप बगैर नोटिस के आगे तोड़ दिया सब, ये कोई तरीका थोड़ा है? पहले नोटिस 10 दिन का देना चाहिए, 7 दिन का तो कम से कम, तो कम से कम लोहा तो अपना संभालते ना, बिल्कुल ठीक है ना, लोहा जो है इतना महंगा है, वो भी तोड़ दिया, मतलब परवाह नहीं की उन्होंने, ऐसे ही मतलब है नुकसान कर दिया। क्या लग रहा है, जम्मू कश्मीर की आम जनता को तंग करने के लिए काम किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर हो, देखो मैं किसी का कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो हमारे ऊपर ही यहाँ पर चढ़ते हैं जो भाजपा के हैं, ठीक है नहीं, जिन्होंने मैक्सिमम भाजपा को वोट दिया है, आज तो मुझे देख कर दुख हुआ, ठीक है नहीं, मैं कट्टर मतलब भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मुझे दुख होता है के बाकी जगहों पर जो जहां पर बहुत ज्यादा मतलब है, अब अपने ही कार्यकर्ता को तंग करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता, उनको पूछना चाहिए, ठीक है ना, ये बताना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ता, उनसे कम से कम संपर्क तो करो, पूछो क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए। देखिए, बिना किसी नोटिस के यहाँ पर तोड़फोड़ की, और मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ पर भाजपा के साथ जोन को वोट डालते हैं, लेकिन उनकी भी बात जो है वो सुनी नहीं गई, और सबके घरों के आगे पीला पंजा जो था वो चला दिया गया, क्या ये सही है गलत है? अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।